आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज का दिन और ये एपिसोड आपके लिए आशीष के कारण होगा। जी दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में, एक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, खास करके आज के समय में जब हम सब दिन भर दौड़ते रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। वी आर लिविंग इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। ऐसे समय में एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और कैसा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ, और ये बातें सिर्फ साधारण रूप से नहीं होंगी, बड़े विस्तार से होंगी, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये एपिसोड बहुत से कपल्स के लिए, बहुत से मैरिड कपल्स के लिए आशीष कारण होगा कि कैसे इस बदलते हुए जमाने में, बदलते हुए दौर में, लाइफस्टाइल में अपने उस संगी साथी के साथ ईमानदार रहें और उन चैलेंजेस का सामना करें और प्रेम के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। जी, और आइए दोस्तों आगे बढ़े, और आज हम दिन की शुरुआत करें एक बहुत ही खूबसूरत और मेलोडियस मराठी गीत के साथ, और ये हमारे लिए गा रही है मेथोडिस्ट मराठी चर्च की कॉयर, और इस गीत के बोल हैं ईश्वराच्या पंखा खाली, यानी कि परमेश्वर के पंखों के तले, बीनीथ द विंग्स ऑफ गॉड। आइए इस खूबसूरत और ब्यूटीफुल मराठी गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, इस बेहतरीन और सुंदर गीत के लिए कलीसिया और क्वायर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में किस तरीके से परमेश्वर के पंखों तले, ईश्वर के पंखों तले जब हम रहते हैं तो वहीं पर हमें सुकून मिलता है, वहीं पर आराम मिलता है, और ये हमारे लिए एक धन्य आशा है कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमें अपने पंखों तले ले लेता है। दोस्तों ये गीत कितने खूबसूरत हैं, एंड दे हैव सच ब्यूटीफुल मीनिंग इन देम, और इन गीतों को सुनकर हम आशीष पाते हैं। और अगर आप ऐसे ही गीतों को और सुनना चाहते हैं तो हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप हमारे साथ सहभागिता में जुड़े, ताकि हम ऐसे और गीतों को देश विदेश से आपके लिए लेकर आएं और हम सब आशीष पाएं। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/gift-to-cbn। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आप इस सेवा में अपने योगदान को देंगे, और ये सेवा जो गीतों के माध्यम से, आराधना के माध्यम से है, वो बहुतों तक पहुंचेगी और लोगों के लिए आशीष कारण होगा। अभी वक्त है
एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक पॉडकास्ट में शामिल होंगे एक यंग कपल जो बहुत ही डायनामिक है उनके साथ, जो कि अपने शादीशुदा जीवन के, रिश्तों के जर्नी के बारे में हमें बताएंगे, शेयर करेंगे, इनकरेज करेंगे. सो स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक. Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz, Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, faiths and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों. आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी रिलेशनशिप सीरीज में हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, और हम जान रहे हैं कि आजकल के समय में, आजकल के बदलते समय में एंड आजकल की जो तेज़ भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं जो पति पत्नी के रिश्ते को प्रभावित करती हैं. और हम देखते हैं कि आजकल लोग बहुत एम्बिशियस हो गए हैं और लोगों के पास समय नहीं है, करियर माइंडेड हो गए हैं, बहुत बिजी रहते हैं अलग अलग बातों में. आजकल सोशल मीडिया बहुत प्रभावित कर रहा है लोगों के रिश्ते को. जी हाँ बिल्कुल. और मैं ऐसे बहुत से कपल्स को पर्सनली जानता हूँ जिसमें दोनों के वर्क शेड्यूल्स और वर्क टाइमिंग्स बिल्कुल इंटायरली फर्क है. जब एक पार्टनर घर में घुसता है तो दूसरा पार्टनर उस समय निकलने को तैयार होता है, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे एंड गोज टू फ्राइडे. तो बहुत कम समय है, बहुत कम अवसर है, और न केवल समय पर कई बार हमारे हमारी प्रायोरिटीज, हमारा ईगो, हमारा सेल्फ पर काम करना भी कई बार हमारे रिलेशनशिप को, जो कि परमेश्वर ने बनाया है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो परमेश्वर ने बनाया है और बाकी सारे रिलेशनशिप आर टू फॉलो, वो इसी के बाद आए हैं. माँ बेटे का, बहन और भाई का, ये सारे रिलेशनशिप संबंध एक संबंध के बाद है, एंड दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ. और कई बार हम अपनी ईगो के कारण, अपने शेड्यूल्स के कारण, अपनी प्रायोरिटीज और उनके डिफरेंस के कारण इस रिलेशनशिप को बहुत ही खोखला करते हैं, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है. तो दोस्तों, आज के इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं नेहा और पल्लव से, जो दिल्ली के रहने वाले हैं. एक यंग कपल हैं, डायनामिक हैं. इन्होंने अपना शादी का सफ़र 4 साल पहले शुरू किया, और इन 4 सालों में इन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे. इन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या इनकी मुश्किलें थी और कैसे ये इनमें से बाहर आए, आज ये एक पॉडकास्ट के द्वारा हमारे साथ अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं. और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन. हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द शो. और आज मेरे साथ बहुत ही डायनामिक कपल हैं नेहा एंड प्रलव. वेलकम टू द शो. आज इनसे बात करेंगे और जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी के बारे में. सो प्रलव एंड नेहा, ये आप हमें पहले बताओ, अरेंज मैरिज आप लोगों ने की, लव मैरिज क्यों नहीं चुनी यार? नहीं, आवर मैरिज लुक्स लाइक एन अरेंज मैरिज, बट इट इज एक्चुअली इन अ वे इट्स लव मैरिज बिकॉज जीसस इज पार्ट ऑफ इट एंड जीसस इज लव. सो नेहा, आप मुझे बताओ, जैसे शादी के बाद आप मुंबई गए, यहाँ से दिल्ली की लड़की मुंबई जा रही है, तो वहाँ पे जाके क्या धमाल मचाया आपने? धमाल एक्चुअली मैंने पूरा अपना बचपन से लेकर यहाँ पे ही दिल्ली में ही सब कुछ किया है. लेकिन जब मेरा रिश्ता पल्लव से हुआ तो मेरे अंदर वो ना एक सेटिस्फैक्शन और पीस था. और नोकझोंक कैसी रहती थी? मतलब मुझे पता है मीडिया लाइफ बहुत टफ लाइफ होती है, और होता है कि आप जब आप काम कर रहे होंगे वो फ्री नहीं होंगे, आप फ्री हैं तो वो फ्री नहीं होंगी, तो वो कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन सेट किया? ये तो बस थैंक गॉड वी हैव क्राइस्ट बिटवीन अस, नहीं तो भैया जर्नी इतनी आसान नहीं होती. आवर फाउंडेशन वाज ऑलवेज द वर्ड ऑफ गॉड, सो वी वर ऑलवेज यू नो ड्राउनिंग आवरसेल्व्स इनटू द वर्ड एंड सेइंग दैट यू नो देयर इज यू नो गुड थिंग्स आर अहेड ऑफ अस एंड इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड
that makes us rich and, you know, prosperous in our marriage. Marriage is very beautiful, okay? Lekin jo love hai na, आपका वो फीलिंग्स और इमोशन नहीं डिसाइड कर सकते. लव इज अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक एवरी डे इन मैरिज. लाइक हाउ आवर जर्नी इज विद क्राइस्ट, मैरिज यू नो इज एग्जैक्टली दैट जर्नी. आफ्टर एडम एंड ईव दे वर मेड, ही सेड बी ब्लेस्ड एंड मल्टीप्लाई राइट एंड सबड्यू द अर्थ. शादी आपको प्यार करना सिखा देती है. तो आप लोगों की शादी को कितना टाइम हो गया है? This is our fifth year. About to end. Yeah, March में हमारी anniversary है. तो आपके लिए कुछ surprise है हमारे पास. पुरानी यादों को ताजा करते हैं. So guys, please पेश करिए. Oh God. ये favorite shot है मेरा. दोनों models लग रहे हो यार एकदम. आप दोनों स्टिल अभी भी वैसे के वैसे ही हो जैसे वहां पे दिख रहे हो. 5 साल हो गए, कोई कह नहीं सकता है. क्या बात है, क्या सीरियसली. सो ये थ्री फोल्ड कॉर्ड जी शादी में कितना इम्पोर्टेंट है आप दोनों के नजरिए से? इफ यू आस्क मी पर्सनली, देन आई डोंट थिंक एनी मैरिज वुड सस्टेन विदाउट द थर्ड पर्सन इन योर मैरिज, दैट इज जीसस क्राइस्ट. तो नेहा, आपका क्या कहना है? लाइक कभी पहलव ने इतना अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया. देखिए चांद, जैसे कि वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है कि जीसस इज द कवेनेंट बिटवीन टू पर्सन, राइट? और जो तीन का कॉर्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, जैसे वर्ड ऑफ गॉड से हमें देखने को मिलता है. तो अगर प्रभु यीशु मसीह आपके दो जनों के बीच में वो कवेनेंट है, तो आपकी मैरिज कभी भी टूट नहीं सकती, बिकॉज गॉड इज पीस, राइट? He is a prince of peace. तो वो discord नहीं आ सकता. And you are hearing from God. So he will always tell you to go and love your wife, you know. He will always tell me to go and love your husband. So, yeah. There's a scripture that says, those who are planted by the living waters, they shall flourish. So the more you are planted near the word of God, you know, the more you have the word of God inside your heart, the more you speak it out, the more fruits you're going to see in your life, in your marriage, in your finances, in all areas of your life, which Jesus Christ had already accomplished on the cross. Yeah, and that's what you see, those fruits in your marriage. So God has a plan for everyone. His plans are good. इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा ना, जल्दीबाजी में कुछ गलत डिसीजन ना ले लो. है ना, जैसे आप दोनों ने वेट किया, प्रेयर की और आपको गाइडेंस जिस तरीके से मिला, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था आप दोनों की लाइफ में. नेहा ने मेरे से पूछा कि भाई तुम कितना प्यार करते हो मुझसे. अब ये सवाल सुन के मैं भी तंग आ गया था. मैं कैसे बताऊं मैं, विच इज़ व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट एडम एंड ईव, एंड जिसमें बाइबल इज वेरी क्लियर अबाउट कि ईव आई कैसे, ईव इज पार्ट ऑफ एडम ओनली, राइट? और एडम और ईव केवल एक दूसरे, एडम के लिए ढूंढने की पूरी सृष्टि में कोशिश करी गई कि उसका साथी कौन होगा, कोई नहीं मिला. उसके बाद प्रभु ने एडम को सुलाया और उसकी पसली निकाल के बोला कि भाई ये, और उसमें से ईव आई. ठीक है, तो एडम और ईव एक तरीके से एक ही हिस्सा थे, ठीक है, तो अलग अलग थे नहीं. तो मैंने सोचा यार, आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग, मैं कैसे जवाब दूं, कैसे जवाब दूं इस चीज का. तब मुझे आया कि भाई तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरे शरीर का एक अंग, जैसे कि तुम ना हो मैं हूं. वाओ, तो अमेजिंग. ये अब ये क्या, ये तो मैं बस यू नो जस्ट मेरे थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था एडम और ईव के बारे में. खुश एकदम यार, खुश नेहा के दिल भी आ गए मैंने कहा यार ये तो काम कर गया भाई, कर गया. हां, ऐसी कोई तीन चीजें नेहा जो आपने, आपको प्रलव का जब एक बारे में पता लगा शादी के बारे में, तो तीन चीजें बताओ कि आपको क्या लगा कि He is the right one for me, soulmate है, शादी करनी है और इसी से करनी है. तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो obviously हर माओ की तरह मेरी मम्मी पीछे पड़ी हुई थी कि शादी करनी है, you know, शादी करनी. एक मिनट रुको, मैंने प्रलव को नहीं बताते हैं ये बात, इनको अभी जरा हम लेके चलते हैं दूसरे रूम में. ये तो मुझे लग रहा है असली में मेरे को लेके जा रहे हैं दूसरे रूम में. हाँ, आपको सच्ची में जाना पड़ेगा वहाँ. तीन चीजें बताओ ऐसी जो आपको लगता है कि प्रलव में थी और आपने उनसे शादी करने के लिए हाँ भर दी.
जब मेरी शादी की एज हुई तो मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं शादी करनी है, शादी करनी है. तो शी वुड यू नो टॉक टू फ्यू पीपल इन माय चर्च, और हमारे पास्टर को भी बोल के रखा था कि, बट उनको तो ऐसा था ना कि अब शादी की एज है तो जो भी लड़का, उनको सारे लड़के अच्छे ही दिखाई देते थे मेरे लिए. मतलब ये परफेक्ट है ना अगले, मतलब सारे लड़के अच्छे हैं. बट बिकॉज आई वॉज प्रेइंग टू गॉड एंड मैं प्रभु से ना, मेरी चांद हमेशा यही प्रेयर रही थी कि प्रभु मुझे दो चीज चाहिए अपने लाइफ मैटर में. सबसे पहले जो आपको दिल से प्यार करता हो, बिकॉज मुझे पता था कि जो इंसान प्रभु को प्यार कर सकता है दिल से, वो मुझे भी प्यार करेगा. दूसरा, मैं ये प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे कोई ऐसा लाइफ पार्टनर देना कि जब मैं गिर जाऊं, है ना, तो मुझे मेरा लाइफ पार्टनर उठाने वाला हो प्रभु के वचन से. एंड यू वोंट बिलीव चांद, यू वोंट बिलीव, दीज वर माई टू प्रेयर रिक्वेस्ट एंड एग्जैक्टली परलव इज लाइक दैट. सीरियसली, तो वही दो चीजें मैंने मांगी और परलव में मुझे वो दोनों चीजें मिल गई. यू आर रियली ब्लेस्ड एंड जो खुदा से आपने मांगा दुआओं में वो आपको मिला, दुआओं के बाद आंसर मिला आपको. सो वेलकम अगेन प्रलव. और आपने सुना नहीं लेकिन जो नेहा ने मांगा था खुदा से, आप वो ही हैं. एक एक छोटा सा मैसेज एक ऐसे ही हमारे यूथ को, जनरेशन को, जो अभी सोच विचार में है कि क्या करें, मुश्किल में है, शादी नहीं हो रही है, लव मैरिज में जाना चाहते हैं तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और अरेंज मैरिज में कोशिश में है लेकिन लड़का या लड़की नहीं मिल रहे हैं, तो उन लोगों को आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? स्पिरिट ऑफ गॉड का जो एक फ्रूट है वो है पेशेंस. पेशेंस, करेक्ट. पेशेंस इज द फ्रूट ऑफ गॉड. इंपल्सिवनेस इज नॉट. ट्रस्ट गॉड, यू नो ही इज गोइंग टू प्रोवाइड. ही, बिकॉज़ यू नो बाइबल सेज द लॉर्ड इज माय शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट. राइट, सो जस्ट ट्रस्ट गॉड. तो सिंपल सी चीज है कि जैसा कि नेहा ने भी बोला कि प्रे अबाउट इट, डू नॉट हैव फियर इन योर हार्ट. फियर इज नॉट द फ्रूट ऑफ यू नो, फियर इज नॉट फ्रॉम गॉड. करेक्ट. सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. बहुत so अच्छा लगा आप दोनों से बात करके. शादी का एक रियल प्रोस्पेक्टिव कि क्या कैसे चीजें चलनी चाहिए, होनी चाहिए, किसी और से बात करें. थैंक यू फॉर हैविंग अस. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच नेहा एंड परलव, एंड थैंक यू चांद. और वाकई नेहा और परलव, आपने उस बात को सच कर दिया जो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जो सच है कि एक तीन धागों की जो डोरी होती है वो आसानी से नहीं टूटती. अ थ्री फोल्ड कॉर्ड is not broken, is not easily broken. जी हाँ, बिल्कुल. बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैं इस बात को सुन रहा था. इन्होंने कहा Christ was the center of it. परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जब किसी भी चीज का केंद्र होता है तो वो मुश्किल हालातों से गुजरती तो है, पर परमेश्वर उस रिश्ते को, उन परिस्थितियों को संभालता है. जी. प्रियो, जिस तरीके से आज हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर में पति पत्नी अपने संबंध को इस बदलते हुए जमाने में सुरक्षित रख सकते हैं. ये जमाना बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, चैलेंजेस बदल रहे हैं, पर बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर कल, आज और कल सर्वदा एक सा है. वेर एवरीथिंग इज चेंजिंग, गॉड एंड हिज लव इज कॉन्स्टेंट. और आइए एक ऐसे परमेश्वर के प्रेम को अपने संबंध में, खासतौर से पति और पत्नी ले आए, ताकि परमेश्वर हमारे संबंधों को भी कॉन्स्टेंट कर दे और हम ऐसे ही बने रहें. आज के जमाने में घर बदलना, आज के जमाने में शहर बदलना, आज के जमाने में गाड़ी बदलना, हर चीज का बदलना, और कई बार आज के जमाने में रिश्तों को बदल लेना, इंसानों को बदल लेना अपनी जिंदगी से भी बहुत मुश्किल नहीं हो गया है, पर हम फिर भी एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो साथ में लेकर चीजों को चलता है, जो कभी बदलता नहीं है. बाइबल बताती है एक जोड़े के बारे में, खूबसूरत जोड़े के बारे में, जिनका नाम था एल्काना और हन्ना. अगर आप इनकी कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हन्ना की कोई संतान नहीं थी और एल्काना उसके साथ बहुत प्रीति करता था, प्रेम करता था, बावजूद इसके कि उसकी कोई संतान नहीं है. अगर आप परमेश्वर के वचन को, पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय और उसके आठवें पद में लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? एक ऐसी स्त्री जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास निराशा है, जिसको आस पड़ोस के लोग चढ़ाते होंगे, इसके परिवार के लोग चढ़ाते होंगे, पर फिर भी पति का प्रेम कुछ इस प्रकार से है
जो रिश्ते को मजबूत कर रहा है, और ना केवल पति बट कई बार परमेश्वर के वचन में हमने ऐसी पत्नियों के बारे में सीखा है। पर आज आपसे बात कर रहा हूं उस जोड़े के बारे में। एलकाना गया और एलकाना ने हन्ना से कहा कि मैं तुम्हारे लिए 10 बेटों से भी बढ़कर हूं। आई विल बी व्हाट यू वांट। कई बार हमारे रिश्तों में हम नहीं जानते कि हमारी पत्नी क्या चाहती है, हमारा पति क्या चाहता है, क्या अच्छा लगता है। वी फेल टू डिस्कवर एंड रीडिस्कवर व्हाट आर द नीड्स इन आवर रिलेशनशिप। कई बार हमारे संबंधों में क्या जरूरी है, क्योंकि जमाना बहुत तेजी से बदलता है, आवश्यकताएं बदलती हैं, लाइफस्टाइल बदलते हैं, और कई बार हम वही पुराने तरीकों में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं जो शायद हमने अपने से पहले जोड़ों को करते हुए देखा है। पर प्रभु के लोगों, विश्वासी भाई बहनों, जरूरी है कि मैं और आप समय के साथ अपने रिश्ते को भी अपडेट करें और जाने कि पत्नी की क्या आवश्यकता है, पति की क्या आवश्यकता है। और एलकाना ने उससे प्रेम किया। वो बाकी सगे संबंधियों को तो एक भाग देता था, पर वो हन्ना को अपनी भेंट का दूना भाग देता था, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरी पत्नी को मेरे प्रेम की आवश्यकता है। इस समय जब कोई साथ नहीं है, लोग चढ़ा रहे हैं, निराशा है, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करूंगा। और प्रेम वो सामर्थ्य देती है जिसके साथ मैं और आप अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। प्रभु के लोगों, आइए एक दूसरे से प्रेम करें, अपने रिश्ते को डिस्कवर करें, रीडिस्कवर करें। समझें, शायद शादी के 5 साल, 10 साल, 15 साल बीतने के बाद भी तब आपको लग रहा है अब तो सब कुछ ठीक है, पर फिर से अपने आप को रीडिस्कवर करें, अपने रिलेशनशिप पर और मेहनत करें, इन्वेस्ट करें, टाइम दें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारे संबंध को इस बदलते हुए समय में, दौर में मजबूती के साथ बांधे रखे। दोस्तों, हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू, स्पेशली फॉर ऑल यू कपल्स आउट देयर। तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। यू कैन कॉल अस एंड शेयर योर चैलेंजेस विद अस, या आप अपने जो भी चैलेंजेस हैं आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। साथ ही अगर आप अपने रिश्ते के लिए खास काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक करें। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। सो दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर जुड़ेंगे और एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने ₹50 का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में और सीख रहे हैं किस तरीके से ये रिश्ता मजबूत किया जाए। जी राइट दोस्तों, अब समय है कि हम देंगे आपके सवालों के जवाब। तो समय है कोई शक का। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ताना मारते हैं, मैं बहुत परेशान हूं, इस रिलेशनशिप में कैसे बदलाव लाऊं? जब कोई किसी को ताना मारता है तो उसके बदले में आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। आप उसे परमेश्वर के प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं उसके साथ, और उसकी किसी बात पर अप्रिशिएट कर रहे हैं उसे। एंड आई बिलीव जब आप परमेश्वर की भलाई को इस तरीके से रखेंगे बुराई का सामना करने के लिए, तो वो बुराई ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएगी। तानों के सामने आ जाइए, प्रेम के साथ एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं जो आपको सता रहे हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9910401010। या अगर आप चाहें तो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब समय है कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मेरा विश्वास है कि प्रार्थना हमारे रिश्तों को मजबूत कर सकता है, क्योंकि यीशु जब रिश्ते का केंद्र होता है तो रिश्ते सफल होते हैं। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित महान परमेश्वर पिता, आप एक ऐसे परमेश्वर ईश्वर हैं और प्रभु हैं जो रिश्तों का महत्व जानते हैं। प्रभु, आपने संसार में जब आदम को अकेला देखा तो आपने सहायक के रूप में, एक जीवन साथी के रूप में जो आदम से मेल खाता हो, उसके लिए हव्वा को बनाया। प्रभु, कई बार हम इस बात की कंप्लेन करते हैं कि हम मेल नहीं खाते, पर परमेश्वर आपने हमें ऐसा ही बनाया है। और जब आप कह रहे हैं कि मेल खाते हैं, तो हम उसे
इंसानी तरीके से समझ नहीं सकते। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने जिन्हें चुना है हमारे लिए जीवन साथी होकर, प्रभु वो आपकी ओर से निर्धारित हैं। आज अगर कोई ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर पति पत्नी के रिश्ते इस बदलते हुए समाज में धीरे धीरे बदल रहे हैं, धीरे धीरे मायने बदल रहे हैं प्रेम के, धीरे धीरे मायने बदल रहे हैं कमिटमेंट के, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप आकर उस रिश्ते पर राज्य करें, आप आकर उस रिश्ते का केंद्र हो। प्रभु मालूम है बुद्धिमान ने चट्टान पर अपना घर बनाया, आंधियां आई, तूफान आए, लहरें उठी, थपेड़े लगे, पर बुद्धिमान का घर स्थिर रहा। मेरी प्रार्थना है प्रभु काश कि हम इतने बुद्धिमान हो कि हम अपने रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को यीशु मसीह नामक चट्टान पर खोद कर बनाए। मालूम है मुसीबतें आएंगी पर हमारा घर स्थिर रहेगा क्योंकि चट्टान यीशु है। इसी समय प्रभु ऐसे डामाडोल होते हुए रिश्तों पर, ऐसे झूलते हुए हवा के कारण रिश्तों पर प्रभु तेरी स्थिरता, तेरी स्टेबिलिटी एंड एस्टैब्लिशमेंट आ जाए। और मेरी प्रार्थना है इसी समय अगर कोई ऐसा जोड़ा है, कोई ऐसा कपल है जिसकी आंखों में आंसू है, जो आज निराश है, जो आज अकेला है, जिसको लग रहा है अब नहीं हो सकता, यीशु मसीह के नाम से अभी हो जाए, तेरा प्रेम स्थापित हो एक दूसरे के प्रति, प्रभु प्रेम में एक दूसरे के प्रति, कमिटमेंट में एक दूसरे के प्रति, उस संबंध में ईमानदारी के साथ हमारे प्रियजन और जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनको बढ़ाएं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और आइए दोस्तों इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें प्रेम के बारे में क्या बता रहा है। दोस्तों ये वचन जिसे हम सब जानते हैं हमें बता रहा है प्रेम, विश्वास और आशा के बारे में। ये तीनों ही स्थाई हैं लेकिन इनमें से सबसे उत्तम क्या है, वो है प्रेम। तो होने दे कि आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में, अपने रिश्तों में जान पाएं, ताकि आपके जो रिश्ते हैं, खास तौर पे पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही मजबूत हो और इस रिश्ते के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊँचा हो। जी हाँ प्रियो, जैसा परमेश्वर का वचन पढ़ा गया इसी अध्याय में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं, यदि मैं भविष्यवाणी करूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझूं। आवाज तो है पर इसमें कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। आइए प्रभु से, प्रभु के लोगों से और खासतौर से अपनी पत्नी से, अपने पति से प्रेम करना सीखें, जिस तरीके से आज हमने गवाही सुनी पर्लव की, नेहा की, कैसे परमेश्वर के आ जाने से उनकी सेवा, उनका प्रेम, उनका संबंध और मजबूत हुआ। मे क्राइस्ट बी द सेंटर ऑफ योर रिलेशनशिप। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा और आपका परमेश्वर के साथ और अपने परिवार में लोगों के साथ, खासतौर से पति और पत्नी का संबंध यीशु के नाम से मजबूत ठहरे। जी और दोस्तों जाने से पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका जहां आप भी एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं और एक नई जिंदगी प्रोग्राम को हर घर तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए के हर महीने के योगदान से आप इस प्रोग्राम को हर घर तक ले जा सकते हैं। हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप हमारे सहभागी बने ताकि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम से आशीष पाएं। और ऐसा करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए हमारी वेबसाइट cbnindia.org को विजिट करें और अपने ट्रांसफर्स के, अपने अनुदान के जो स्क्रीनशॉट्स हैं इन्हें आप CBN पेयरलाइन नंबर 9910401010 पर हमारे साथ जरूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आप आशीष प्राप्त करेंगे। अब समय है हमारे जाने का और इससे पहले कि हम आपसे अलविदा लें, कल वेंसडे है तो कल हम ला रहे हैं आपके लिए एक रीजनल एपिसोड, सो डू जॉइन अस टुमारो फॉर अ स्पेशल प्रोग्राम। Yes, and until then friends, have a lovely blessed day and God bless you. God bless you.